कितने पे जाना चाहिए? 1.5-2 करोड़ तक गया होगा जी। वो पहले साल 73 लाख पे भी गया, पहले साल 73 लाख पे गया। मैंने उन दोनों भाइयों को बुलाया, मैंने कहा यार मुझे ये बताओ कि आप आपस में करते थे 22 लाख से, आप ये 73 लाख पे, अच्छा लिया भी मजे की बात उन्हीं में से, लिया भी उन्हीं में से। एक बात सर, मैं फंड जनरेटिंग की बात कर दूँ, मेरी जिला कौंसिल मुजफ्फराबाद है, जब से यानी इलेक्शन नहीं हुए थे तो कोई टेंडर नहीं होते थे, तो पहले हमने सिर्फ ये असेस करने के लिए कि कितना यानी इसके हो सकता है कि टेंडर हम करें तो हम अपनी रिजर्व कीमत टेंडर की क्या रखें, हमने कहा 4-6 महीने हम इसको खुद करते हैं। आप हैरान होंगे सारे कि पहली बार ज़िला कौंसिल जो हमेशा बैंक से ओडी लेके मुलाजमों को तनख्वाह देती थी, जब मैं फारग हुआ हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हुई 2.25 करोड़ रुपया उसके बजट में था, पहली बार 10-10 लाख रुपया ज़िला कौंसिल से हमने डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे MLA थे उनको 10-10 लाख रुपये मिला। उन्होंने भी हैरानगी हुई कि ये किधर से ये 10 लाख रुपये, और 2.25 करोड़ रुपया उसका बजट था, और आज भी वो उसी तरह चल रहे। सर ये फंड जनरेट किए जाते हैं, आज भी मैं कहता हूँ बलदियाती इदारे मीरपुर का, रावलाकोट का, कोटली का, और ये अगर ये रुके आप मुलाजमों को थोड़ा सा इंसेंटिव दें टेंडर करें तो कोई बात नहीं है कि। और फिर इख्तियार की बात सर, एक और बात सर, आखिरी बात इख्तियार की बात कि इख्तियार सर लिया जाता है, इख्तियार होते हैं उस बुक में, इख्तियार होते हैं। अब ये अलग बात है कि मेरे जैसा कोई बैठता है शायद उसे इख्तियार का ना पता हो, और कोई हो तो इख्तियार हमेशा लिया जाता है, इख्तियार इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको बुक से मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको एहलियत भी होनी चाहिए। आपके हल्का इंतखाब से ही सारे लोगों का इतराज़ है कि बयान किया जाता है कि तरक्याती मंसूबे सबसे ज़्यादा जो आपके हल्का इंतखाब में दिए गए लेकिन ग्राउंड पे नज़र नहीं आते, तो आपको थोड़ा सा सर मैं बिल्कुल मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं चैलेंज करता हूँ कि जितना मेरे हल्के इंतखाब में, मैं इसमें कोई मैं दूसरी बात नहीं करता हूँ, जो मिनिस्टर होता है एजुकेशन मिनिस्टर पोस्टें ज़्यादा ले जाता है, PWD का मिनिस्टर सड़कें ज़्यादा ले जाता है, मैंने हो सकता है दूसरों से ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं 2-4 करोड़। यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड आपका आपने देखा है, यूनिवर्सिटी कॉलेज मैं खुद वहाँ पर जाता था जनाजे पढ़ने, कोई तपती दोपहर 2:30 बजे जनाजे होते हैं, सर छपानी जगह नहीं मिलती थी, मैंने 2.25 करोड़ रुपये के वहाँ शेड लगाए, 1000 कुर्सी लगाई, और मुझे खुद बड़ा सुकून होता है जब मैं अपने बुज़ुर्गों को बड़े बुज़ुर्गों को वहाँ पे जनाजे के इंतजार में बैठे देखता हूँ। आज वो ग्राउंड भी है, वो हमारा नेशनल खुर्शी नेशनल स्टेडियम में ग्राउंड भी है, ये उस दिन जो जलसा हुआ दो उसी में वो हज़ारों लोग उन कुर्सियों पे बैठे थे, उन शेड के नीचे बैठे थे। एक कब्जा माफिया से एक पूरा ग्राउंड था, एग्रोटेक का ग्राउंड, एग्रोटेक कॉलेज होता था, वो पूरा कब्जा माफिया से आज़ाद करा के एक ग्राउंड बनाया, 2.25 करोड़ रुपये उस पर लगाया, उस पर 4 दीवारी की, और कब्जा माफिया से छुड़ाया, आज वो ग्राउंड ईदगाह के पास मुजफ्फराबाद के लोगों को मिला। हाई स्कूल नंबर 2 का ग्राउंड बनाया, नूशी ग्राउंड कब्जा माफिया के पास था, वो वागदार कराया, वो भी ग्राउंड बनाया। और उसके अलावा शहर में बलदियाती इदारे थे नहीं, शहर में पहली बार मेरे वक़्त में शहर की गलियाँ सीवरेज सीढ़ियाँ बनी है, वो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कोई जाके ये देख ले कि मुजफ्फराबाद में कितना पिछले 2 सालों में 2.5 सालों में कितना काम हुआ। मुझे आज 3 करोड़ रुपये मिला है, आने से पहले मैं पूरी उसकी तकसीम वार्ड वाइज करके आया हूँ कि भाई इतना, और निगरानी में खुद करता हूँ मैं। अच्छा फिर मैं ये करता हूँ कि जो लोकल गवर्नमेंट की स्कीमें, आप सोचते हो कि यार ये सवाल जो अभी से शुरू कर दिए, लोकल गवर्नमेंट की स्कीमें में सोशल मीडिया पर चढ़ा देता हूँ, प्रोजेक्ट लीडर का नाम भी लिख देता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब मुझे आपके बारे में पता लगेगा गांव को कि अच्छा 3 लाख रुपये आपने आपको मिले, तो फिर वो गांव सारा मॉनिटर करता है, फिर वो सोचते हैं कि आपके मुखालिफ जो होंगे वो सोचते हैं इन्हों क्यों लभे हम कम से लोग ना। मेरी आदत होती है कि मैं लोगों को बता देता हूँ, वैसे बातों पूछ लेता हूँ, हाँ जनाब वो यार 2.5 लाख रुपये तो मिले सिर्फ गली था, पैसे होते नहीं चाहिए ना, लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, अच्छा 2.5 लाख रुपये ये तरीका सर काम करने का। एक अरब का बजट बजट वो नहीं है वैसे, एक अरब नहीं सर। अच्छा मैं बता दूँ, हमारा इस साल का लोकल गवर्नमेंट का बजट है 2.70 करोड़ रुपये, 2.70 करोड़ रुपये टोटल, 2.70 करोड़ रुपये टोटल बजट है। 30 जून को साल ख़त्म हो रहा है, इसमें से आपने MLAs को भी देने,
इसमें से आपने पुलों को भी देने, जो पुल देने तामीरें उसमें भी देने, और बाजीन के एम एल एस को भी देने, स्पेशल सीट के एम एल एस को भी देने। आप दो दो अरब 70 करोड़ को तस्लीम कर लें 53 एम एल एस पे, वो 53 एम एल एस आपकी हुकूमत, बेस कैंप की हुकूमत कश्मीर के हवाले से किरदार पे आप मुख्तसर। सर ये है कि मैं समझता हूँ कि जो किरदार हमें अदा करना चाहिए नहीं हो रहा सर, जो मतलब ऐसे में तो ये हम ये कर रहे हैं, ये तीर मार रहे हैं, जो होना चाहिए था नहीं हो रहा सर। रेजिडेंट एडिटर हूँ यूरोप की सवेरा न्यूज से। मेरा आपसे सवाल ये है, काफ़ी सारे एंगल्स पे हमें बात कर रही है कि बीइंग अ लॉयर, आप ये समझते हैं कि आपने एक बात अभी कही है और वो सुनना चाह रही थी कि हमारी अपनी यानी कि जो हमें रोल प्ले करना चाहिए था कश्मीर की आज़ादी के लिए वो हमने नहीं किया, लेकिन बीइंग अ लॉयर क्या आप समझते हैं, और आगे बाहर आते हैं ओवरसीज लोगों से मिलते हैं और लोगों से यहाँ के सिस्टम देखते हैं, आपको क्या लगता है कि हमें अपना माइंड सेट अब बदलना नहीं चाहिए, क्या हमें ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनानी चाहिए कि जिसकी वजह से एज अ लॉयर भी दुनिया के साथ बात करने का एक सलीका होता है, और हमने कश्मीर को वैसे लड़ा नहीं, हम इंडिया को जो मर्जी कहते हैं लेकिन टू बी एनेस वो हमसे आगे जा चुके हैं, अफगानिस्तान हमसे आगे जा चुका है, हर चीज़ हम पीछे हैं, और इसका ये है कि आप इसकी सुपरविजन करें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सुपरविजन करें, और जितनी करीम बाहर आपको नज़र आती है कश्मीर पाकिस्तान से रिलेटेड, आप जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के लिए अपना रोल प्ले करें और इसकी क्यादत करें, और इस सारे के सारे लोगों को एक टीम को ले करके चलें ताकि हम अपना किरदार अदा कर सकें। आपसे इमरान ख्वाजा साहब या कोई और? ख्वाजा साहब और मैं पीटीआई से इमरान खान साहब से, क्योंकि वो एक रे आप हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं सर एक एक गुजारिश करूं, यहाँ से जो सियासी लोग आते हैं ना जी जी, तो वापस जाएंगे ना जी जी, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो सरकारी दौरे पे आते हैं जी जी, कि हम मसला कश्मीर को उजागर कर रहे हैं। होता क्या है, हम अपने मीरपुर के लोगों के साथ, नावरा कोट कोटली के लोगों के साथ बैठते हैं, खाने खाते हैं, वो हमें घुमाते फिराते हैं, ठीक है, और फिर वो वहाँ कहते हैं जी कोर्ट की जेब खुली रखा करो, सारा कुछ करके हम कहते हैं जाके, ये एक तलख हकीकत है, इस तरह की में मुझे बयान करना चाहिए कि मैं भी आप ही तो कहते हैं हम मसला कश्मीर को उजागर कराए। पहली बात है कि कोई पता नहीं होता हमें कश्मीर की तारीख का, आज भी मैं कहता हूँ कि हमारी लीडरशिप को कश्मीर के जो मसला है इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का कोई इसके पता नहीं होगा, जब हम और फिर हमें जाते हैं, हमें प्रेस क्लब के साथ जो फॉरेन प्रेस क्लब ने लंदन के जो जाते हैं, हमें वो उनके साथ बात करनी चाहिए, कश्मीर के मसले पे आना चाहिए, हमारा लिबरेशन सेल है उसे, वो कहते हैं ना कि एक तस्वीर जो है 1000 लफ्ज़ के बराबर होती है, कि आप जब आते हैं हमारे पास कोई लिटरेचर होता है कि हम बताएं एट्रासिटीज़ के वाले से, ये यूरोपी कौम वो है कि अगर बिल्ली भी आ जाए नीचे तो एकदम ये सिविल इनकी सोसाइटी आ जाती है, तो क्या हम